हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर नारी ब्लॉग्स में। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। तो इसके लिए मैंने मॉर्फी रिचर्ड का कॉफ़ी मेकर लिया है, इसमें मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। ये देखिए मॉर्फी रिचर्ड का है ये, और ये देखिए यहाँ से इसको हम इसमें पानी ले लेंगे कैफे में। ये देखिए शॉट्स 1, 2, 3, 4 जितने भी आपको कॉफ़ी चाहिए हो इसमें उतना पानी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ओपन होगा, वहाँ से क्लोज होगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ से इसमें पानी डाला जाता है। ये देखिए बहुत ही आसान और सिंपल है, और बहुत ही जल्दी बनती है इससे कॉफ़ी, और काफ़ी अच्छी बनती है। इसमें मैं इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं डालनी है, बाकी जो दूसरी कॉफ़ी आती है वो डालनी है। इंस्टेंट कॉफ़ी से क्या होता है, टेस्ट का अच्छा नहीं आता, मतलब जल्दी में होती है ना, इसमें अच्छे से बनती है। ये देखिए मैं इसको क्लोज कर दूंगी, अच्छे टाइट क्लोज करना है, इसमें ज़रा भी हवा नहीं जानी चाहिए अंदर। ये देखिए हम अपना फिल्टर निकाल लेते हैं, इसमें हम कॉफ़ी डालेंगे। ये देखिए फिल्टर है, ये देखिए फिल्टर कॉफ़ी बनेगी हमारी। ये स्पून भी मुझे इसी के साथ में मिला है, कॉफ़ी मेकर के साथ में। जितनी भी कॉफ़ी आपको डालनी है आप इससे डाल सकते हैं। इस फिल्टर को भी अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखिए यहाँ से घूमेगा ना, ये आपको लॉक दिख रहा है ना, ये यहाँ तक आना चाहिए। लॉक हो गया है। मैं इसके नीचे रख दूंगी कैफे। हमें यहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनानी है, लाइट बनानी तो आप इधर कर सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनानी है तो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये देखिए ये पे स्ट्रॉन्ग पे आ गई है, इधर लाइट कॉफ़ी हो जाएगी। मैं ऑन कर दे रही हूँ, देखिए 2 मिनट में कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये इसका ऑन बटन ऑन कर दूंगी मैं। तो हमारी कॉफी 2 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगते हैं। 2 मिनट में हमारी कॉफी बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि हाथ से कॉफ़ी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसे फेंटना बहुत टाइम लगता है, इसमें 2 मिनट में हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी कॉफ़ी आने लगी, ये देखिए हमारी फिल्टर कॉफ़ी आ रही है। ये देखिए जितने भी शॉट चाहिए 1, 2, 3 जितने भी, उसके बाद हम इसको स्टीम के लिए लगा देंगे, फ्रॉथ करेंगे कॉफ़ी को। ये देखिए हमारी कॉफ़ी बन गई है, एंड अब मैं मिल्क मिला लूँगी। ये देखिए मैंने मिला लिया है, मैं इसको फ्रॉथ कर लूँगी। मैंने मिल्क में ही चीनी मिला दी थी, मैंने कॉफ़ी कप देखी कितनी अच्छे से फ्रॉथ हो गई। ये इसको हल्का हल्का सा खोलना है, खोल के हाँ हाँ देखिए देखिए कितने अच्छे से हमारी कॉफ़ी फ्रॉथ हो जाएगी। ये देखिए आप, बहुत
बहुत ही आसान और सिंपल है इससे कॉफ़ी बनाना, बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। पूरी कॉफ़ी रेडी होने में फ्रॉथ भी हो जाएगा, देखिए फ्रॉथ हो रही है, ये देखिए कितने अच्छे से फ्रॉथ हो रही है हमारी कॉफ़ी। कैफे कवर भी लगा हुआ है, इससे हमारी कॉफी बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए पूरा भर गया झाग से, ये देखिए कितने अच्छे से फ्रॉथ हुई है हमारी कॉफी। तो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लाइक कीजिए।